अरे बाराती आ गए। दीदी दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। TNC अप्लाई। नागपुर दौरे पर आए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार को नागपुर विमानतल पर मीडिया से बात की। विदर्भ के पहले चरण के लोकसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विदर्भ में पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं। मोदी के काम से लोगों में सकारात्मकता दिख रही है। नागपुर में नितिन गडकरी जैसा दिग्गज उम्मीदवार एक बार फिर मैदान में उतरा है। मुझे यकीन है कि पिछले कुछ वर्षों में बूथ स्तर पर जो तैयारी की गई है वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। उसी आधार पर हम पहले चरण की सभी सीटें जीतेंगे। मला असं वाटतं की विदर्भामध्ये आणि आता पहिल्या टप्प्यात पूर्व विदर्भातल्या जागांवर या ठिकाणी निवडणूक होत आहेत। मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पक्षाला अनुकूलता दिसते आहे। मोदीजींच्या कामामुळे एक लोकांमध्ये सकारात्मकता दिसते आहे। नागपूरमध्ये नितीनजी गडकरी यांच्यासारखा एक दिग्गज उमेदवार पुन्हा एकदा ते मैदानात आहेत। त्यामुळे मला पूर्ण खात्री आहे की गेले 4-5 वर्ष आम्ही सातत्याने जी तयारी करतो बूथपर्यंत तयारी केली आहे, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न केलाय, त्याच्या आधारावर आम्ही क्लीन स्वीप करू आणि सगळ्या जागा आम्ही आता पहिल्या फेजमध्ये होणार आहे जिंकू असा मला विश्वास आहे। नासिक से मंत्री छगन भुजबळ लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि हम नासिक के लोगों से मिले, जाहिर है वहां हमारा दल बड़ा है, 100% उस क्षेत्र में है बूथ तक संरचना, इसलिए यह महसूस करना स्वाभाविक है कि हमें लड़ना चाहिए। फैसला तीनों पार्टियों को मिलकर लेना है। महागठबंधन में कभी पद गिरता है तो कभी नहीं, जो कहा गया है उसे सुनने के बाद फैसला करते हैं। जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप सभी को काम करना होगा, क्योंकि लक्ष्य नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। शिष्टमंडळ मला भेटलं, साहजिक आमचा पक्ष तिथे मोठा आहे। आमच्या पक्षाचे 3 आमदार आहेत, जो 101 नगरसेवक आमचे जवळपास त्या ठिकाणी आहे। बूथपर्यंत जी रचना आहे त्यामुळे त्यांनाही असं वाटतं की आपल्याला लढायला मिळालं पाहिजे, असं वाटणं काही वाईट नाही आहे, ते स्वाभाविकच आहे। शेवटी निर्णय मात्र तिन्ही पक्षांना मिळून एकत्रित करावा लागतो आणि जेव्हा आपली युती असते त्यावेळी कधी पदरी पडतं कधी पडत नाही, म्हणून मी देखील त्यांना सांगितलं की तुमचं म्हणणं निश्चितपणे आम्ही गांभीर्याने घेऊ, ते ऐकून घेऊ, पण शेवटी जो काही निर्णय महायुतीमध्ये होईल त्यानुसार आपल्याला सगळ्यांना काम करायचं आहे। कारण शेवटी अल्टिमेट सगळ्यांचा एम एकच आहे, तो म्हणजे मोदीजींना देशाचं 3र्यांदा प्रधानमंत्री पाहणं। महादेव जानकर ने फिर एक बार महायुति में प्रवेश किया है। इस मामले पर बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि जानकर हमारी महागठबंधन में आ गए हैं, वे नाराज हुए और उनसे चर्चा के बाद वे वापस महागठबंधन में आ गए, एक सीट देने का फैसला हुआ है। आइए इस पर जल्दी चर्चा करें और इसके बारे में निर्णय लें। ते आता तुम्हाला लवकरच ठरेल, पण जानकर साहेब आमच्या महायुतीमध्ये आलेले आहेत, ते होतेच, पण काही काळ थोडा मध्ये त्यांची देखील काही नाराजी होती, त्यांच्याशी चर्चा होऊन ते पुन्हा महायुतीमध्ये आले आहेत। एक जागा त्यांना देण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे, लवकर चर्चा करून त्याबद्दल निर्णय बाकीचा करू। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।